हेलो मेरे बच्चों। नहीं, मेरे नहीं, आपके मम्मी पापा के हो, मेरे तो स्टूडेंट्स हो। ओके बेटा, ओके। अगेन वेलकम टू विजेसस मैथ्स मैजिक क्लास एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बॉयज़ एंड गर्ल्स। अच्छे हो ना सब लोग? ओके, नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू अवर रिमेनिंग चैप्टर इन वर्कबुक। ओके, हमारा रिमेनिंग जो है ना उसको कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, तो बी कॉन्सेंट्रेट, और अगेन आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक सुनना है? नहीं, मैं तो ऑल द बेस्ट बोलूँगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर ये फर्स्ट ऐसे एग्जाम, यानी समेटिव एग्जाम है ना आपकी, फर्स्ट एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम। तो बेटा बहुत अच्छे से पेपर लिखना, ठीक है? और सी ऐसा मैं सोच रहा था कि पेपर आप लोग सप्ले में लिखोगे कि वो, अच्छा तो चलो ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, बराबर, आपको जैसा ठीक लगे ऐसा पेपर लिखना, हो सके तो सप्ली में लिखना, और फिर भी ऐसा कुछ लगेगा तो मैं आपको बता दूँ, मैसेज के थ्रू ऐसा कुछ बता दूंगा, बराबर। चलो ठीक है, अभी तो आपको सप्ली मिली होगी ना, तो सप्ली में लिखना। ओके बेटा, चलो हमारा आया क्वेश्चन नंबर 11। अरुण बॉट पेन ₹27 एंड नोटबुक ₹12, व्हाट इज द टोटल अमाउंट? ओके, पेन इतने रुपये में, नोटबुक इतने में, टोटल ही तो है। चलो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ₹27, हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड फाइव नोटबुक्स? एक नोटबुक का इतना रुपीज़ है, तो फाइव नोटबुक का कितना? तो देखो 27 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई, ये तो सिंपल, इन वन नोटबुक का इतना, तो फाइव नोटबुक्स का कितना? इतना रुपीज़। गॉट इट? नाउ 10 काइट्स कॉस्ट ₹75, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ काइट? चलो सोच के बताओ, कौन बताएगा? एक काइट का 70, नहीं 10 काइट्स का है, काइट्स यानी अभी तो नवरात्रि चल रही है ना, खत्म भी हो गई क्या? खत्म, अभी तो चल रही है नवरात्रि, मे बी शायद अभी खत्म ही हो जाएगी एक दो दिन के अंदर ना, पता नहीं आज कौन सा डे बेटा। मैं तो, हाँ मुझे शौक बहुत है, एक मैं आपको बात फाइनली बताऊँ, मुझे बहुत, यानी बहुत ही मेरे हॉबी है नवरात्रि, और मुझे बहुत अच्छे स्टेप्स भी आते हैं नवरात्रि। आना कभी मेरे घर पर, मेरे सोसाइटी में, अभी तो होती है, रोज नहीं जाते हम लोग खेलने, मतलब उतना कुछ नहीं हुआ, आप लोग की भी सोसाइटी में नहीं होते होंगे आई थिंक, खाली वही आरती वारती, मतलब आरती होती है सिर्फ माता जी की। ओके बेटा सी, सॉरी गलती से बुला गया ना, आरती वार नहीं, ओनली माता जी की तो आरती होती है बेटा। तो छे ने हमारे तो यहाँ आरती थाई छे, हाँ जय आद्या शक्ति है ना, जय जय माँ जगदम्बे। ओके बेटा सी, तो यहाँ पर पहले हमको बात करनी काइट्स की, तो नवरात्रि के बाद अभी तो दिवाली आएगी, बम बम फटक फटक फटाकड़े फोड़ने ना आपको, क्रैकर्स, और उसके बाद काइट्स, आपका आई थिंक आप लोगों का फेवरेट होगा ना फेस्टिवल। ओके, तो बेटा यहाँ पे 10 काइट्स का पूछा है, मतलब बोला गया है ₹75, तो कॉस्ट ऑफ अ काइट यानी एक काइट का कितना? तो सिंपल 10 काइट्स का कितना रुपया, एक सेकेंड एक सेकेंड, 10 काइट्स कॉस्ट ₹75, व्हाट इज द टू द कॉस्ट ऑफ अ काइट? ओके, मिस्टेक है ना, यस ये पूरा मिस्टेक है, 10 काइट्स का हमको ₹75 दिया है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ काइट यानी एक काइट का पूछा है आपको। ओके तो ये है ना, मेरा दीदी का लड़का है ना, वो भी है ना 5th में है अभी, उसी ने किया, ये कर दिया होगा, बोले मामा मैं कर दूँ होंगे राइटिंग ये वाले। ओके चलो छोड़ो, तो हमको यहाँ पे बेटा देखो कर दिया होगा उसने, ओके छोड़ो वो सब बातें छोड़ो, अभी 10 काइट्स का ₹75 है। ओके यस, डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ₹75 है 10 काइट्स का कॉस्ट, तो 75 ठीक है। अब सोचो मैं ऐसे बोल दूँ कि 10 पेंसिल का बॉक्स ₹20 का है, 10 पेंसिल ₹20 में, तो वन पेंसिल कितने में? 10 पेंसिल्स ₹20, वन पेंसिल, तो आप क्या करोगे पता है? ₹20 है ना सर? हाँ कितनी पेंसिल्स? 10 पेंसिल। ओके तो 10 को डिवाइड करो, जितना टोटल है उसको टोटल से डिवाइड करो, 10 2 जा 20, गॉट इट? कितना रुपीज आया? 2, तो वन पेंसिल 2 रुपीज, यहाँ पे 75 इसको 10 से डिवाइड करो, 10 7 जा 70, 5 बच गया, 5 बचा है ना। ओके अब यहाँ पे है ना एक पॉइंट, हम डेसिमल पॉइंट देते हैं, ये आपको एक्चुअली अभी सिलेबस में नहीं ना मिल जाएगी, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के बाहर का है, लेकिन फिर भी मुझे सिखाना तो पड़ेगा अभी, कोई कोई जो एकदम बाहर है ना आउट ऑफ से, वो मैं नहीं सिखाऊंगा, उसको मैं ऑमिट ही करवाने वाला हूँ बेटा। चलो ये 0 हमने लिया, तो 0 को ड्रैग किया, अब कितना हो गया नीचे 50, अब यहाँ पे पॉइंट रखें, यहाँ पे भी पॉइंट रखना पड़ेगा। ओके तो 10 5 जा 50, ओके 0 0 ₹7 और 50 पैसा, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, 75 डिवाइडेड बाई 10,
तो वही हुआ ना मीनिंग, तो 75 को 10 से डिवाइड करना आया, मीनिंग तो वही हुआ। तो अभी हमारा कितना है रुपीज़, इसको दैट माइंड में मत लो, ये आपका क्वेश्चन नहीं भी एग्जाम में भी नहीं आने वाला है। ओके, 7 रुपीज़ 50 पैसे पैसे अ काइट कॉस्ट। ओके चलो ये देखो, अनिल बॉट अ शर्ट ₹275, ही गेव दिस शर्ट टू हिज फ्रेंड अरुण 250। अच्छा इतने रुपए में बॉट खर्च किया और इतने रुपए में फ्रेंड को दे दिया, तो लॉस ही हुआ ना उसका। यस देखो माइनस कर दो, अभी मैंने इरेजर वाला समझाया ना आपको। ओके अब दिख रहा है 5 का 5, 7 में से 5 का 2, ₹25 लॉस हुआ। 1 kg राइस कॉस्ट ₹17, तो 7 kg का कितना, तो 1 kg का ₹17, तो 7 kg का कितना मल्टीप्लाई। ओके 119। ओके बेटा अब ये मैंने ऑमिट करवाया क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है और ये आपके सिलेबस की बाहर, यानी बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस है ये। देखो मैं फिर मैं बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ 5 पेंस, नहीं चलो इसको ऑमिट ही करना है। ओके आपको क्वेश्चन पढ़ना तो पढ़ सकते हो, आपको लगे तो करना, लेकिन मैं तो बोलता हूँ नहीं करना है। हाँ मैं करवा भी सकता हूँ लेकिन बेटा आपके माइंड, देखो मैं आपको मैं बहुत ही एकदम ओपनली बात बता रहा हूँ, जो नहीं करना है उसको नहीं करना है, ठीक है। ये एक्चुअली है ना, ये रीजनिंग बोलते हैं ना, रीजनिंग, रीजनिंग पता है क्या होता है, जो ये सब एग्ज़ाम्स नहीं देते बेटा पुलिस की, फिर IAS ऑफिसर, IPS की, तलाटी की, फिर क्या बोलते हैं ना क्लर्क की, ये सब एग्जाम्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं, उसके अंदर उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना है। ओके फाइंड आउट मैं करके भी दे दूंगा आपको, लेकिन ये आपके माइंड में नहीं रहता, उसका कोई मतलब नहीं, और ये आपके टेक्स्ट बुक का भी सिलेबस नहीं, कोई भी सिलेबस इसकी, इसको ऑमिट किया है। क्वेश्चन 12 एंड 13 दोनों ये भी नहीं करना है, ठीक है। ओके चलो अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। 14, अनिल चार्ज्ड 10 रुपी नोट इनटू कॉइन्स। ओके 10 रुपीज नोट उसको कॉइन में कन्वर्ट करना है। सी इफ ऑल द कॉइन्स आर 25 पैसे कॉइन्स, सारे 25 पैसे के कॉइन्स है तो कितने होंगे। अब सोचो 25 पैसे के 4 कॉइन्स हो जावे ना तो 1 रुपी होगा। कैसे 1 रुपी, यानी 100 पैसे होते हैं कि नहीं, 100 पैसे होते हैं ना, तो 25 पैसे, तो 25 पैसे और 25 पैसे और 25 और 25, तो 25 25 50 पैसे, 25 25 50 पैसे, 50 पैसे और 50 पैसे, 100 पैसे होंगे। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 पैसे के 4 कॉइन्स इज इक्वल टू 1 रुपीज, तो 4 कॉइन्स मेड 1 रुपीज, यानी कि 4 कॉइन मिलकर कितना रुपये बनता है 1 रुपीज। हमको तो कितने रुपये बनाए 10 रुपीज, तो 1 रुपी में 4 कॉइन्स आते हैं, तो सोचो 10 रुपीज में कितने कॉइन्स। 1 रुपी के लिए 4 कॉइन्स की जरूरत पड़ती है, कौन से कॉइन्स, 25 पैसे वाले कॉइन्स। सो 4 10 जा 40 कॉइन्स। ओके सो 40 कॉइन्स आर देयर विथ हिम, यानी कि 40 कॉइन्स होंगे, 10 रुपीज बनाते हैं ना। चलो 50 50 पैसे के कितने लगेंगे, तो 50 पैसे के 2 कॉइन हो तो बेटा 1 रुपी बनता है, 50 पैसे के 2 कॉइन्स, सो 1 रुपीज, यानी कि 1 रुपी बनाने के लिए 2 कॉइन्स चाहिए। तो ऐसे 10 रुपीज़ के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई 10, ये 10 क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया पता चल रहा है आपको, क्योंकि 10 रुपीज़ बोला है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई, और 4 क्यों किया है, क्योंकि 4 4 कॉइन्स मिला के 1 रुपी बनता है, यहाँ पे 2 कॉइन्स मिला के 1 रुपी बना, सो 20 बराबर ना, तो 20 कॉइन्स। आप ऐसे नहीं करोगे, आप ऐसे फिंगर से करोगे ना, 20 कॉइन्स बोला है ना, 20 कॉइन्स, तो देखो 50 और 50 1 रुपीज़ हो गया। पहले 20 कॉइन्स गिन लो, 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 इसमें हो गया, 16 17 18 19 20, यहाँ तक हुआ, देखना। चलो ये 1 रुपीज़, दो मिला के 1 रुपी होता है ना, 2 कॉइन्स मिला के, तो मैं दो दो गिनना हूँ, ये दोनों एक साथ में गिनना हूँ, ये दोनों 1, फिर ये दोनों 2 3 4 5 6, 6 तक हुआ, कॉन्सेंट्रेट करना, नहीं तो भूल जाओगे, वीडियो को दूसरी बार देखना पड़ेगा। 6 ये दोनों मिला के 7 7 रुपीज़ हो गया, फिर ये और ये 8 रुपीज़ हो गया, देखो अभी मैंने पकड़ के रखा है, 8 रुपीज़,
फिर ये दोनों 9 रुपीज़ और ये दोनों 10 रुपीज़, हो गए ना 20 कोइंस। चलो 1 1 रुपी की कोइन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। 1 रुपी का कोइन और मुझे टोटल 10 रुपीज़ बनाना है, तो 1 1 रुपीज़ के कितने कोइंस चाहिए? 10 कोइंस। 1 रुपी मल्टीप्लाई 10 कोइन बराबर 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 10 रुपीज़। सो 10 कोइंस आर देयर विद देम। चलो अरे वाह, चैप्टर फिनिश हो गया, जग्स एंड मग्स। ये तो बेटा मैं इसके आपको PDF दे दूंगा ना, ये तो करवाया था ना। ओके हाँ चलो अच्छी बात है। तो बेटा अगेन अब तो मैं बोल ही दूंगा, फाइनली ऑल द बेस्ट। ओके सप्लीमेंट्री आई थिंक दी होगी आप लोगों को, ठीक है। आपको प्रिंट आउट निकालना है तो भी निकाल सकते हो क्वेश्चन पेपर का। तो बेटा ये वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मैं इसका आपको PDF दे दूंगा। ओके तो चलो बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके एंड गेटिंग गुड मार्क्स एंड बेटा क्या बोलते हैं ना कि पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो आप, लेकिन हेल्प मतलब लिखना नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या समझाएंगे आपको। ओके बेटा चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बी सेफ एंड लिव इन योर होम ओनली। ओके।